कोयले से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले कोयले को ट्रेनों द्वारा थर्मल पावर प्लांट के कोल यार्ड में लाया जाता है। फिर उस कोयले को स्टोरेज से उठाकर क्रशर में भेज दिया जाता है, जहां कोयले के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। फिर उसे बाउल मिल में पीसकर पाउडर बना दिया जाता है, जिसके बाद उसे जलाने के लिए बॉयलर मशीन में डाला जाता है, जो चारों तरफ से पानी से भरे पाइप से घिरे होते हैं। और जब कोयला जलता है तो पाइप में मौजूद पानी गर्म होकर भाप बन जाता है। अब उस भाप को पाइपलाइन की मदद से टरबाइन तक ले जाया जाता है, जहां भाप की ऊर्जा से टरबाइन घूमती है, और टरबाइन के घूमने से ही वो जनरेटर भी घूमने लगता है, जो टरबाइन से कनेक्ट होता है, और उसी जनरेटर के घूमने से ही बिजली उत्पन्न होती है।